इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नीना गुप्ता वार्ड नंबर 50 छन्नी हिम्मत से बोल रही हूँ। मैं झेलम न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सैनिटेशन ड्राइव भी स्टार्ट करवाई थी और फॉगिंग भी करवा रही हूँ। मेरी 3 बार फॉगिंग भी हो चुकी है। स्प्रे मैं सेक्टर वाइज करवा रही हूँ, काफ़ी सेक्टरों में मेरी हो चुकी है, एक ही सेक्टर रह गया मेरा। तो मैं इसके साथ साथ सभी सेक्टर्स साफ भी हो रही है मेरे, फॉगिंग स्प्रे सब कुछ हो रहा है मेरा। ये जो आप राशन बांट रहे हैं इसके बारे में, राशन बांट, हाँ, गरीब लोगों को मैं, जो हमारे झुग्गीदार लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, इनको मैं राशन भी बांट रही हूँ। कम से कम मैंने 250-300 के करीब लोगों को, फैमिलीज़ को राशन बांट दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे मुझे आता जाएगा मैं डिवाइड करती जाऊँगी अपनी वार्ड में। मैं चाहूँगी कि कोई भी भूखा ना सो सके। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को भी अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग अपनी अपने जो झुग्गीदार लोग हैं अपने सेक्टर में है, साथ साथ रहते हैं, उनकी उनका ध्यान रखें ताकि वो रात को पेट भर खाना खाकर ही सोएं। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके मैं लोगों को कहती हूँ कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपील की है, 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है, इस पर हम अमल करें। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी समझाएं ताकि वो घर के अंदर रहे, जो जो हमारा वायरस है ये हमें फैले नहीं। हम जितना ज़्यादा अंदर रहेंगे ये इतना ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। मैं आप लोगों को बार बार यही अपील करना चाहती हूँ कि घर के अंदर ही रहें, बड़ा ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाएं, और जब घर से बाहर से अंदर आएँ तो अपने हाथ अपने सारे सैनिटेशन करके ही अपने घर के अंदर आएँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी की बात का अपना सहयोग करें ताकि हमारा ये जो वायरस है ख़त्म हो सके।